Good morning, students. Myself Nitish, Assistant Professor, Economics, Government College, Bhinmal. आज हम बात करेंगे BA थर्ड ईयर के पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट यानी आर्थिक विचारों का इतिहास. आर्थिक विचारों के इतिहास में आज हमारा टॉपिक होगा एडम स्मिथ. एडम स्मिथ एडम स्मिथ एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे. एडम स्मिथ के समय में अर्थशास्त्र कोई स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था. इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी का ही हिस्सा होते थे और एडम स्मिथ ने 1759 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स. द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स जो पब्लिश होती है 1759 में. एडम स्मिथ ने इस पुस्तक में इथिक्स और चैरिटी से संबंधित बातें की हैं. अगर हम ये जानना चाहें कि एडम स्मिथ किस तरह की पर्सनालिटी थे, वो कैसा सोचते थे, उनका क्या दर्शन था, तो हमें उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट अवश्य पढ़नी चाहिए. उसके बाद अर्थशास्त्र के अंदर एडम स्मिथ को जो नाम और जो फेम मिली है वो उनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के कारण मिली है. उनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में पब्लिश होती है. वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपत्ति. वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रों की संपत्ति. राष्ट्रों की संपत्ति ये पुस्तक जो 1776 में पब्लिश होती है उसके बाद एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होती है यानी इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है. एडम स्मिथ के आर्थिक विचारों की अगर हम बात करें तो हम एडम स्मिथ के आर्थिक विचार, उन्होंने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर अपने आर्थिक विचार दिए हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एडम स्मिथ के उत्पादन से संबंधित विचार. उत्पादन से संबंधी विचार. उत्पादन में सबसे पहले हम बात करेंगे श्रम पर स्मिथ के विचार. एडम स्मिथ ने श्रम को राष्ट्रों की संपत्ति का महत्वपूर्ण साधन माना है. उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जो उनकी पुस्तक है उसमें श्रम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है. वणिकवादी और प्रकृतिवादी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने श्रम के महत्व को नकारा. पूंजी और भूमि के महत्व को उन्होंने ज़्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन एडम स्मिथ जो हैं उन्होंने श्रम के महत्व को जाना. उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की जो संपत्ति है वो श्रम का ही परिणाम है. अर्थात राष्ट्रों के पास जो वस्तु और सेवाएं हैं वो श्रम की वजह से हैं. यानी हमें जो भी वस्तु और सेवाएं हम जो प्राप्त करते हैं उसका कारण श्रम होता है. इस प्रकार से श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन एडम स्मिथ द्वारा माना गया.
दूसरा एडम स्मिथ का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है श्रम विभाजन। देखिएगा एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में श्रम विभाजन पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन से उत्पादन में उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं, समय की बचत होती है और किसी देश को ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है और हमें नए आविष्कारों की ओर बढ़ने का मौका मिलता है। अर्थात उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति कई तरह के कार्य कर सकता है लेकिन वो किसी एक विशेष कार्य की विशेष योग्यता रखता है या उसकी विशेष लग्न होती है, उस कार्य को करने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना चाहिए। श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम बैंक में ले सकते हैं। जिस तरह से बैंक में अलग अलग काउंटर्स बने हुए होते हैं और उनके अलग अलग कार्य होते हैं, बैंक में जाने वाले प्रत्येक ग्राहक को ये पता होता है कि उसे क्या काम करवाने हैं, कहाँ जाना है, और बैंक कर्मचारी को भी पता है कि जो व्यक्ति उसके पास आया है वो किस काम के लिए उसके पास आया है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा भीड़ बैंक में होती है उसको मैनेज करने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्य होने पर उस कार्य में उनके पास विशिष्टीकरण भी प्राप्त होता है और श्रम विभाजन से उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है और उसकी क्वालिटी अच्छी बनती है। उसके बाद में है पूंजी। पूंजी के ऊपर एडम स्मिथ के विचार, उन्होंने माना है कि हमारे व्यापार और वाणिज्य, हमारे उद्योग धंधों का आधार पूंजी है। पूंजी के बिना व्यापार और वाणिज्य जैसी एक्टिविटीज़ हम संपन्न नहीं कर सकते हैं और उन्होंने श्रम और भूमि के साथ साथ पूंजी को भी एक उत्पादन का महत्वपूर्ण स्थान पूंजी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसके बाद हम एडम स्मिथ के विनिमय संबंधी विचार, विनिमय पर एडम स्मिथ के क्या विचार थे, सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा संबंधी एडम स्मिथ के विचार। मुद्रा पर एडम स्मिथ के विचार बहुत सधे और सटीक विचार थे। उन्होंने कहा कि जो मुद्रा है, जो द्रव्य हमारे पास में है, उसकी बाकी संपत्ति से वैल्यू कम होती है या उसे हम कम पसंद करते हैं, इसीलिए हम किसी वस्तु विशेष के बदले उसको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी जो राष्ट्रों की जो संपत्ति है उसमें कभी भी मुद्रा, सोना, चांदी, जो लिक्विड हमारे पास है, उसको शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक। मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है, ये वास्तव में उपभोग की वस्तु नहीं है, इसलिए मुद्रा को कभी भी राष्ट्रों की संपत्ति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार से मुद्रा मूल्य का मापक और विनिमय का माध्यम एडम स्मिथ के द्वारा माना गया है। उसके बाद एडम स्मिथ के मूल्य संबंधी विचार, मूल्य संबंधी विचार, एडम स्मिथ ने मूल्य को दो भागों में बांटा है। उन्होंने मूल्य का जो सिद्धांत दिया है उसको उपयोग मूल्य व विनिमय मूल्य में विभाजित किया है। एडम स्मिथ ने उपयोग मूल्य को संबंध उपयोगिता से बताया है,
उन्होंने कहा है कि व्यवहार में जिन वस्तुओं का उपयोग मूल्य ज़्यादा होता है उनका विनिमय मूल्य कम होता है, और जिनका विनिमय मूल्य ज़्यादा होता है उनका उपयोग मूल्य कम होता है। जैसे उपयोग मूल्य हवा, पानी, इन सब का, प्रकाश, इन सब का उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा है लेकिन विनिमय मूल्य बहुत कम होता है। और जैसे हीरा और जो बेशकीमती चीज़ें होती हैं उनका विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा है लेकिन उपयोग मूल्य कम होता है। इस प्रकार एडम स्मिथ ने कहा कि जो वस्तुएं ज़्यादा उपयोगी हैं उनका विनिमय मूल्य कम होता है, और जो जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है उनका विनिमय मूल्य हमेशा ज़्यादा होता है। उसके बाद एडम स्मिथ के वितरण संबंधी जो विचार हैं, वितरण में सबसे पहले एडम स्मिथ ने लिया है लगान, उसके बाद मजदूरी और उसके बाद ब्याज। लगान में एडम स्मिथ ने ये कहा है कि लगान भूमि के उपयोग के बदले भूमिपति को दी जाने वाली कीमत है। उन्होंने कहा कि भूमि के उपयोग की जो कीमत किसान उस भूमिपति को अदा करता है वही लगान कहलाता है। मजदूरी में एडम स्मिथ ने मजदूरी से संबंधित कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे मजदूरी को सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। जीवन निर्वाह सिद्धांत में एडम स्मिथ ने कहा है कि जो बचत है वो या तो उद्योगपति करते हैं या पूंजीपति करते हैं, मजदूर कभी भी बचत नहीं करते हैं क्योंकि उनको जो मजदूरी मिलती है वो उनके जीवन निर्वाह स्तर के बराबर मिलती है। अगर मजदूरों को ज़्यादा मजदूरी दी जाती है तो मजदूर की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ने से वापस मजदूरी गिर जाती है। ब्याज जो है, ब्याज और लाभ को एडम स्मिथ एक मानते हैं, यानी ब्याज और लाभ में एडम स्मिथ कोई अंतर नहीं करते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो पूंजीपति जो पैसा लगाता है वो लाभ कमाने के लिए, और जो शुद्ध लाभ है उसी में उन्होंने ब्याज को इंक्लूड माना है। उसके बाद एडम स्मिथ के हम बात करेंगे राजस्व संबंधी विचार, उसके बाद उन्होंने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की है, और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र व्यापार भी अपने विचार रखे हैं। तो अब हम बात करते हैं एडम स्मिथ के राजस्व संबंधी विचार। राजस्व पर स्मिथ के विचार, एडम स्मिथ ने यह कहा है कि जो हमें राजस्व मिलता है वो मजदूरी, लगान और जो ब्याज या लाभ है उसके ऊपर लगाए गए कर के आधार पर प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा कि जो राज कर जो प्राप्त हो रहे हैं, जो टैक्स राज्य को प्राप्त हो रहे हैं, उनके अंदर सुविधा, निश्चितता का सिद्धांत आदि चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए टैक्स लगाना चाहिए। उसके बाद एडम स्मिथ ने मुक्त अर्थव्यवस्था की बात की है। मुक्त अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ ने कहा है कि जो उत्पादन, विनिमय और वितरण जो अर्थव्यवस्था का जो एक चैनल है उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसमें अदृश्य हाथ का एग्जाम्पल दिया कि बाज़ार में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मांग और पूर्ति द्वारा कीमत का निर्धारण अपने आप करती हैं। राज्य को कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, कभी भी बाज़ार के जो घटक हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्मिथ का जो है वो है प्रकृतिवाद, व स्मिथ का प्रकृतिवाद व आशावाद, स्मिथ का प्रकृतिवाद व आशावाद।
स्मिथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, और जब एक व्यक्ति विशेष अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है यानी धन एकत्रित करने के लिए काम करता है, और संपूर्ण समाज अगर अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है यानी संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के हितों को बढ़ा रहे होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों के लिए काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने धन एकत्रित करने या अर्थ से प्रभावित होकर काम कर रहा है। अगर वो अर्थ से प्रभावित होकर काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो समाज हित को बढ़ावा दे रहा है, और समाज हित बढ़ रहा है तो राष्ट्र की संपत्ति बढ़ रही है। इस प्रकार राष्ट्र की संपत्ति बढ़ना उस राष्ट्र के हित में है। इस प्रकार आज हमने एडम स्मिथ की विभिन्न आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। एडम स्मिथ उपभोग के बारे में क्या विचार रखते हैं, विनिमय के बारे में क्या विचार रखते हैं, वितरण के बारे में क्या विचार रखते हैं, राजस्व से संबंधित, उनकी मुक्त अर्थव्यवस्था से संबंधित, और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी वो समर्थक रहे हैं। उनका ये मानना है कि जो राष्ट्र हैं उनका आंतरिक और बाह्य व्यापार पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि स्वतंत्र व्यापार, इससे श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बाजार जितना ज़्यादा बड़ा होगा हमारा श्रम विभाजन उतना ही ज़्यादा सफल होगा। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार में किसी भी तरह का राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये थे एडम स्मिथ के आर्थिक विचार। नई क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।